साइबर सिक्योरिटी डोमेन में लाइक काफी पाथ होते हैं. ओके, ये आपको बताऊंगा तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी सम अप करती हूँ इसको. सो साइबर सिक्योरिटी में एक होता है एथिकल हैकिंग, दैट इज लाइक स्टार्टिंग पॉइंट. सो अगर हमको स्टार्टिंग करनी है साइबर सिक्योरिटी में यानी कि एथिकल हैकिंग में, तो लाइक हम एथिकल हैकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं. एथिकल हैकिंग कोई पाथ नहीं है बेसिकली, ये बस एक टाइटल है. इट इज लाइक अ मोर लाइक अ टाइटल. तो उसमें क्या होता है कि इथिकल हैकिंग इज लाइक बस आपको सर्टिफिकेशन मिल गया तो आप इथिकल हैकर बन गए. और कौन सा, सीईएच. ओके, सीईएच इज फाइन. तो अगर आप इथिकली हैक कर रहे हो किसी को, लाइक आप इथिकली लाइक आप सारे लॉस, स्टैंडर्ड्स, इथिक्स, पॉलिसी सब फॉलो करके आप हैक कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं इथिकल हैकिंग. तो ये टाइटल होता है इथिकल हैकर. और ये सब टाइटल ही है, लाइक ये सब जॉब टाइटल होते हैं, वो भी बताओ भाई. ओके, सेकेंड है पेनिट्रेशन टेस्टिंग. सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज लाइक मोर विद लाइक ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड मोर एल्स वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आईओटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्सेट्रा. सो बेसिकली ये जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है वो लाइक अगर आपको स्टार्ट करनी है तो हम WPD से स्टार्ट कर सकते हैं, वो डिफरेंट पाथ है. सो जो फर्स्ट स्टेयर होगी साइबर सिक्योरिटी की, तो आप सीएच या फिर कॉमर्शियल सिक्योरिटी प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं. सो सीएच इज लाइक इनफ है, लाइक स्टार्टिंग के लिए वो इनफ है. देन आप डिसाइड करेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस साइड मूव कर रहा है, इधर लाइक पेनिटेशन टेस्टिंग की साइड या फिर बहुत सारे लाइक फील्ड्स होते हैं, सॉक की साइड, ब्लू टीमिंग की साइड, रेड टीमिंग की साइड, फॉरेंसिक्स की साइड एक्सेट्रा. सो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, इसमें WPT आता है, वेब एप्लीकेशन, जिसमें आप वेब एप्लीकेशन में बग फाइंड करते हैं उसको फिक्स करते हैं. नेटवर्क भी सेम होती है. तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज ओवरऑल जिसमें आप बग फाइंड कर रहे हैं और उसको फिर फिक्स कर रहे हैं. ओके, बग कह सकते हैं, लूपहोल कह सकते हैं या फिर वल्नरेबिलिटीज. सो ये हो गया एथिकल हैकिंग, ये हो गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग. नेक्स्ट होता है ब्लू टीमिंग. ये इट इज लाइक जो डिफेंसिव साइड होती है. ओके, और फिर हो गया रेड टीमिंग. वन सेकेंड. या देन रेड टीमिंग. रेड टीमिंग हो गई ऑफेंसिव साइड के लिए. सो ब्लू टीमिंग डिफेंसिव और रेड टीमिंग ऑफेंसिव. सो ब्लू टीमिंग में आते हैं सॉक एनालिस्ट में, वही होते हैं टायर 1, टायर 2 और 3, और फिर लेवल होता है लेवल 1, 2, 3. देन रेड टीमिंग में होता है. सो सब कुछ डिपेंड करता है आपके जॉब रोल्स पे. सो आपका जो जॉब टाइटल है वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी आपको लाइक क्या करने के लिए कह रहे हैं जॉब रोल्स पे टोटली. फिर हो गया डिजिटल फॉरेंसिक्स. इट इज लाइक एविडेंसेस कलेक्ट करना एंड देन हैक लाइक सबमिट करना. सो ये गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए भी होता है, प्राइवेट के लिए भी होता है. सो ये हो गया साइबर सिक्योरिटी के लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन. सो इसी के ब्लू टीमिंग के अंदर ही आता है लाइक सॉक एनालिस्ट आता है, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी मैनेजर्स, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एक्सेट्रा. सो आपको कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन आपको, क्लियर, कहीं कंफ्यूजन या फिर ये सब क्लियर है? सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. तो हम लोग पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है. सो इंस्टॉलेशन के लिए वी विल यूज पैरेडवेस. ओके, या फिर आप काली लाइनेक्स भी यूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, दोनों ही सेम होती है. और जो पैरेडवेस है वो ज्यादा पावरफुल होती है काली लाइनेक्स से, क्योंकि पैरेडवेस में लाइक काफी फीचर्स होते हैं, सब कुछ होता है एज कम्पेयर टू काली लाइनेक्स. सो ये पैरेडवेस है या फिर काली लाइनेक्स, और एज अ वर्चुअल मशीन हम VMware यूज करेंगे. सो पैरेडोस एंड VMware. ओके, या फिर आप खाली भी यूज कर सकते हैं. सो इंस्टॉलेशन के लिए VMware हम सर्च कर सकते हैं. तो VMware का हम प्रो यूज करेंगे. अगर आपको कॉमर्शियल वाला यूज करना है वो भी कर सकते हैं आप. तो प्रो में क्या होगा कि प्रो सही रहता है, तो उसको हमें प्रीमियम के लिए बाय करना पड़ेगा. फिर इसकी की आती है, तो की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. तो आपका जो प्रीमियम वाला वर्जन है वो अनलॉक हो जाएगा.
सो आपको सर्च करना है वीएमवेयर वर्क स्टेशन डाउनलोड. ओके सो हियर, सो आप प्रो फॉर विंडोज कर दीजिएगा. आपको लाइक 5-6 डेज बाद मैं आपको इसकी जो की है वो प्रोवाइड कर दूंगी. ओके प्रो फॉर विंडोज. फिर जो इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है लाइक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आपको बस नेस्ट नेस्ट इंस्टॉल करना है. इसकी लोकेशन चेंज नहीं करिएगा बस. और फॉर द पैरेडोस आप सर्च करते कर सकते हैं पैरेडोस डाउनलोड, देन इस पे क्लिक कर दीजिए डाउनलोड पैरेडोस. फिर ये सिक्योरिटी एडिशन है, फिर इसको कर दीजिए आप डाउन. ओके सो ये हो जाएगी डाउनलोड. ठीक है, इसकी आपको आईएसओ फाइल मिलेगी. ठीक है, सो हम क्या करते हैं अब इसको देखिए, पैरेडोस इंस्टॉल हो जाएगी, उसकी आईएसओ फाइल और वीएमवेयर इंस्टॉल हो जाएगी. अगर आपको काली करनी है तो इन केस तो आपको सर्च कर सकते काली लिनक्स डाउनलोड. ओके सो इसको क्लिक कर दीजिए गेट काली, एंड जो इसकी वर्चुअल मशीन है आपको इस पर क्लिक करना है रिकमेंडेड. ओके इस पर क्लिक कर दीजिए, देन आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर वीएमवेयर. तो वीएमवेयर में आप इसको क्लिक कर दीजिएगा 2.6 GB वाली फाइल को. ओके तो ये काली हो जाएगी इंस्टॉल. तो पैरेडोस कैसे इंस्टॉल करनी है वीएमवेयर के अंदर पहले वो देख लेते हैं. सो वीएमवेयर ओपन कर दीजिए. ओके फिर हमें करना है फाइल न्यू वर्चुअल मशीन फॉर द पैरेडोस. ओके ये ओनली पैरेडोस के लिए, काली के लिए स्टेप डिफरेंट है. सो इसको आपको करना है नेक्स्ट, इसको आपको करना है आई विल इंस्टॉल द ओएस लेटर. नेक्स्ट लिनक्स को क्लिक करना, फिर डेबियन 10x. आपके में ऑप्शन आएगा क्योंकि मेरा ये 16 प्रो है तो इसमें 10x आ रहा है. आपके में ऑप्शन आएगा 11x का भी, तो 11x आप सेलेक्ट करिएगा. ओके इसको करते हैं नेक्स्ट. फिर अपने वर्चुअल मशीन का नेम, सो उसके लिए आप पुट कर सकते हैं अपना जो भी आपको नेम पुट करना है. मैं न्यू पेरेंट कर रही हूँ. ठीक है, अब इसकी लोकेशन. सो एक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती है लाइक साइबर सिक्योरिटी के लिए. ओके दैट इज लाइक 8 GB कंपल्सरी है रैम, और इंटेल का प्रोसेसर ले सकते हैं लाइक i3 और AMD Ryzen. सो ये लाइक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है. सो ये जो आप इंस्टॉल करेंगे अपने में लोकेशन पर, तो बेसिकली आपकी जो ड्राइव है उस पे अराउंड 80 GB स्पेस एम्प्टी रहना होना चाहिए, तभी ये रन कर पाएगी अच्छे से विदाउट लैग. ठीक है, तो आप इसमें वहीं सेव करिएगा जहाँ पर आपका लाइक 80 GB स्पेस एम्प्टी हो. ओके सो इसके लिए, और अगर आप लाइक इसके लिए एक डेडिकेटेड ड्राइव बनाएंगे तो बेटर रहेगा. ओके तो इसको कर दीजिए नेक्स्ट. अब इसका जो साइज है वो 20 GB को आप इसको कर दीजिए 50 GB. ओके और इसको एज इट इज छोड़ दीजिए और नेक्स्ट. फिर आपको क्लिक करना है कस्टमाइज हार्डवेयर पर. इसमें आपको जो मेमोरी है इसको आप कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग कर दीजिएगा. मैं इसको 6 कर रही हूँ. ठीक है, आप 6 कर सकते हैं. प्रोसेसर्स प्रोवाइड कर दीजिएगा आप, अगर आपके पास 4 4 प्रोसेसर्स हैं तो 2 प्रोवाइड कर सकते हैं आप. और फिर इस पर आपको क्लिक करना है न्यू CD DVD, तो इस पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूज ISO इमेज फाइल. इस पर आपको ब्राउज करना है और जो भी आपकी फाइल इंस्टॉल है उसको आपको सेलेक्ट करना है. सो इन माय केस इट इज इनसाइड ओके ये वाली है पैरेडोस, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं. सो जो आपने ISO इमेज लाइक डाउनलोड करी थी आपको उसको ओपन करवाना है. देन नेटवर्क अडेप्टर इसको आप ब्रिज कर सकते हैं. और सब ठीक है, ठीक है और कोई इश्यू नहीं है और सब बढ़िया. फिर इसको करते हैं क्लोज. आप क्लोज कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए, फिर आपकी जो पैरेडोस है वो बन जाएगी. अब आपको उसको पावर ऑन करना है. सो पावर ऑन करते हैं, आप इसको क्लिक कर दीजिएगा आई फिनिश्ड इंस्टॉलिंग. अब ये आपको पूछेगा ट्राई इंस्टॉल, पहले आपको 1 क्लिक करना है देन एंटर. सो इसमें ऑप्शन है लाइक, अब देखिए ये हमारी ओएस है. सो पैरेट ओएस भी एक ओएस है और विंडोज भी ओएस है, राइट. सो बेसिकली आप अपनी मशीन के अंदर लाइक सपोज आपकी विंडोज है, लाइक आपका सिस्टम है उसके अंदर आप विंडोज रन करें तो वो होगी आपकी मेन मशीन.
और सेकंड आपकी विंडोज के अंदर वीएमवी इंस्टॉल है, उसके अंदर वन मोर ओएस चल रहा है, वो है लिनक्स, दैट इज पैरेट ओएस। तो इस केस में जो आपका पैरेट ओएस है वो भी होस्ट मशीन। सो बेसिकली टू ओएस रन कर रहे हैं आप, लाइक विंडोज जो आपकी मेन मशीन है, जो भी विंडोज है, या फिर आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं, या फिर और विंडोज के अंदर आप वन मोर ओएस यूज कर रहे हैं, दैट इज लिनक्स पैरेट ओएस। तो वो हो गया आपकी होस्ट मशीन। अब इसमें कैसे आप लाइक होवर करेंगे, अब बेसिकली ये आपकी विंडोज है, इस पर आप माउस कर्सर मूव कर सकते हैं। आपको अपनी पैरेट ओएस के अंदर मूव करने के लिए तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा प्रेस कंट्रोल जी बॉटम पर, ठीक है, यहाँ पर तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल जी। अब आप इस मशीन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर जब आप इस मशीन के अंदर है, मतलब पैरेट ओएस के अंदर, तो आपको लाइक वो नहीं मिलेगा माउस कर्सर। अभी आप देखिए, अभी मैं इसके अंदर हूँ तो मुझे वो लाइक माउस कर्सर विजिबल नहीं होगा। फिर आपको मूव आउट करना है फ्रॉम पैरेट ओएस टू योर विंडोज मशीन, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट। तो ये सब सारे ऑप्शंस इधर नोट डाउन है, आप इधर देख सकते हो वहां पर। सो फॉर मूव इन इनसाइड योर लिनक्स मशीन, आपको बस एक क्लिक कर सकते हैं, फिर कंट्रोल जी कर सकते हैं आप। और फॉर मूव आउट, आपको मूव करना है फ्रॉम पैरेट ओएस टू योर विंडोज मशीन, तो आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट। तो ये आप लाइक मूव आउट हो जाएंगे। इतना क्लियर है? सो आपको वेट करना है। ओके, सो ये ओपन होगी। अब देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, दैट इज इंस्टॉल पैरेट ओएस, तो आपको इसको क्लिक करना है। अभी तो आप इसको रन कर सकते हैं, पर एज अ गेस्ट यूजर। परमानेंट यूजर का बनने के लिए, फिर परमानेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा फर्दर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करिए इंस्टॉल पैरेट ओएस, डबल क्लिक। ये थोड़ा टाइम लगाएगी ओपन होने में। ओके, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, लाइक नेक्स्ट कर दीजिएगा। देन आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है एंड जोन। ओके, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, फिर कीबोर्ड। सो कीबोर्ड के लिए आप इंग्लिश, सही है, यूएस के डिफॉल्ट क्लिक कर दीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट, फिर इसको क्लिक करना है आपको इरेज डिस्क को, ठीक है। फिर इसको आपको करना है नेक्स्ट। फिर व्हाट इज योर नेम, देन नेम आपको पुट करना है। आप अपना नेम पुट कर सकते हैं या फिर किसी का भी पुट कर सकते हैं। फिर नेम ऑफ दिस कंप्यूटर, अब आपको इसमें इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लाइक काफी बिग है नेम, तो उसको एडिट करके लाइक कुछ शॉर्ट नेम कर सकते हैं, दैट इज जोई पैरेट, लाइक दिस। तो इसको आप एडिट कर लीजिएगा और अवॉइड करिएगा कैपिटल लेटर और स्पेस। अगर आपको स्पेस यूज करना है तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, पर स्पेस लाइक अवॉइड करिएगा, और जो कैपिटल लेटर है वो अवॉइड करिएगा। ओके, फिर आपको पासवर्ड चूज करना है। सो वी कैन चूज कोई कोई भी आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपको करना है क्लिक नेक्स्ट, और नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल नाउ।
सो ये इंस्टॉल हो जाएगी। वैसे तो ये कोई एरर थ्रो नहीं करने वाली पेरेंट ओएस, बट इन केस अगर आपके सिस्टम में कोई एरर आता है लाइक स्टार्ट नहीं हो रही या फिर इंस्टॉलेशन में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, तो ये वाली जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इसको तो लगेंगे लाइक हाफ एंड आवर या फिर 25 मिनट्स, डिपेंड करता है कि आपका ओएस कौन सा है और आपका सिस्टम कौन सा है। ओके एंड मोरस, अगर वैसे तो ये एरर थ्रो नहीं करेगी बट इन केस करती है तो आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे कभी भी पिन कर सकते हैं। ओके एनी टाइम आप पिन कर सकते हैं तो हम उसका लाइक सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो ये जब बार कंप्लीट हो जाएगा आपको फिर करना है नेक्स्ट और फिनिश, फिर आपको फिनिश का ऑप्शन मिलेगा उसको फिनिश कर दीजिएगा। ठीक है मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगे। फिनिश होने के बाद ये आपकी ऑफ हो जाएगी, फिर आप उसको ऑन कर दीजिएगा। ठीक है तो मैं आपको दिखाती हूँ पावर ऑन करके, फिर आपको करना है पावर ऑन दिस मशीन। सो इसमें आप अपना जो भी पासवर्ड है आपने पुट किया ना उसको पुट कर दीजिए। इसमें थोड़ा इश्यू आ रहा है तो इसको अगर आपके में होता है तो रीस्टार्ट कर लीजिएगा। यानी क्या इश्यू?
ओके सो ये स्टार्ट हो गई। तो ये पेरेटोएस का इंटरफेस है। इसमें लाइक एप्लीकेशंस पे, इंटरनेट पे आपको ब्राउजर्स मिल जाएंगे, और पेनिट्रेशन पेन टेस्टिंग पे आपको सारे टूल्स अवेलेबल होंगे। ओके जो भी लाइक पॉपुलर टूल्स है इसमें है। ठीक है तो ये हो गया पेरेटोएस। अब काली लिनक्स का देख लेते हैं एक बार। सो काली लिनक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको ये वाली फाइल दिस वन आपको ये इंस्टॉल करनी है। फॉर द वीएमवेयर एंड फिर इंस्टॉल करने के बाद आपको जिप फाइल मिलेगी। फिर जिप फाइल मिलेगी आपको उसको अनजिप करना है। अनजिप के बाद आपको क्लिक करना है फाइल एंड देन ओपन। ओपन के बाद फिर आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर आपकी काली इंस्टॉल है, दैट इज दिस वन काली लिनक्स। फिर जो वीएमएक्स फाइल है इसको इंस्टॉल करनी है, लाइक ओपन करनी है। सो ओपन कर दीजिएगा तो ये आपकी ओपन हो जाएगी। ओके फिर इसको आपको करना है एडिट, मतलब आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। तो एडिट इसमें मेमोरी इंक्रीज कर दीजिएगा और प्रोसेसेस प्रोवाइड कर दीजिएगा एंड हार्ड डिस्क, और कुछ लाइक टच नहीं करना, बस यही है मेमोरी प्रोसेसर्स एंड बस। और ये जो अडेप्टर है इसको ब्रिज कर दीजिए। ओके सो मेमोरी प्रोसेसर्स एंड नेट अडेप्टर, नेटवर्क अडेप्टर। ओके फिर ओके कर दीजिएगा, फिर पावर ऑन कर दीजिए। तो मैं इसको ऑफ करती हूँ, हम लोग काली यूज करते हैं पहले, फिर पेरेटोएस पे मूव करेंगे। ओके सो इसको पावर ऑन करिए। सो इसकी भी लाइक सेम फीचर है, अगर आपको मशीन के अंदर मूव करना है कंट्रोल जी, और मशीन के बाहर मूव करना है तो कंट्रोल ऑल्ट। सो उसमें भी लाइक सेम फीचर्स हैं। सो जब तक ये ओपन हो रहा है, हम लोग जो बेसिक टर्म्स है वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले है एथिकल हैकिंग एंड देन है हैकिंग। क्या डिफरेंस है एथिकल हैकिंग एंड हैकिंग में? बेसिकली लाइक बेसिक डिफरेंस है, हैकिंग इज लाइक वी आर ब्रेकिंग इनटू एनी सिस्टम विदाउट द परमिशंस, दैट इज हैकिंग। ओके हियर वी कैन राइट विदाउट परमिशन, दैट इज हैकिंग, लाइक सिंपल हैकिंग। एंड इथिकल हैकिंग इज लाइक वी आर ब्रेकिंग इनटू सिस्टम व्हाइल रेप्लिकेटिंग द एक्शंस ऑफ ए मैलिशियस हैकर। ओके बट हियर वी आर व्हाट एवर वी आर डूइंग बाय ऑन द बेसिस ऑफ द परमिशंस, एथिक्स या फिर लॉस या फिर स्टैंडर्ड्स। ओके तो वो गई इथिकल हैकिंग। सो इसमें जो मेन लाइक डेफिनेशन में मेन वर्ड है वो है रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग द एक्शंस ऑफ ए मैलिशियस हैकर।
सो बेसिकली वी हैव टू क्रिएट अ माइंड सेट ऑफ इमेजेस एंड देन वी कैन रेप्लीकेट उनके जो भी एक्शंस है वो हम रेप्लीकेट करते हैं या फिर मिमिक करते हैं. सो उनके जो एक्शंस हम मिमिक करते हैं या फिर रेप्लीकेट करते हैं एंड देन हम सिस्टम को ब्रेक करते हैं पर लीगली. इस केस में हम जो भी करेंगे वो करेंगे लीगल बेसिस पे. ओके लाइक इथिक्स ऑफ इथिक्स को फॉलो करेंगे देन इथिक्स को फॉलो करेंगे पॉलिसीज को फॉलो करेंगे लॉस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे. ओके दैट इज इथिकल हैकिंग. एंड हैकिंग इज लाइक ब्रेकिंग इन टू द सिस्टम्स विदाउट विदाउट परमिशंस दैट इज हैकिंग. ओके ये बेसिक है. देन उसके बाद है टाइप्स ऑफ हैकर, तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे पीपीटी के साथ. ठीक है. सो वैसे तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इस क्लास को आपको लाइक सीएच को स्टार्ट करने के. दैट इज आपको लाइक नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, वो आपको है. ओके एंड सेकेंड दैट इज लिनक्स के फंडामेंटल्स लाइक लिनक्स की कमांड्स वगैरह क्लियर होनी चाहिए. ओके और जो इसका जो सी एच का कोर्स कंटेंट है वो सेम है जो भी लाइक इसी काउंसिल वाले प्रोवाइड करते हैं. ओके तो लाइक दोनों ही सेम है. सो हम लोग सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी. ओके सो पहले मशीन को देख लेते हैं. तो आपकी ये जो मशीन है काली ओपन हो जाएगी, तो इसका जो यूजर नेम है वो काली है. ये मेरे में कुछ इशू आ रहा है तो मुझे बार बार रिस्टार्ट करनी पड़ रही है. सो जो फर्स्ट मॉड्यूल है दैट इज इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग. तो इस मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे पहले तो लॉस स्टैंडर्ड्स, सेकंड बहुत सारे टर्म्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी में जो इम्पोर्टेंट है. ओके तो वो हम डिस्कस करेंगे, मॉडल्स डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ हैकर्स, हैकर क्लासेस, सीआईए ट्रेड क्या होता है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल में. ओके सो सबसे पहले है इसमें सीएच के बारे में. तो बेसिकली जो सीएच का एग्जाम है वो टू टाइप्स के बेसिस पे होता है. सबसे पहले तो है दैट इज थ्योरी बेसिस पे होता है. ओके एंड सेकेंड होता है प्रैक्टिकल. सो जो थ्योरी वाला होता है वो होता है 4 आवर्स का और जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है 6 आवर्स का. 4 आवर्स वाले में अराउंड 125 MCQs आते हैं एंड जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 20 आंसर क्वेश्चन आते हैं. लाइक उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपको लैब सॉल्व करनी होती है फिर आपको उसको आंसर करना होता है, जैसे ट्राई हैक में पे होता है वैसे. सो जो थ्योरी वाले ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप दोनों ही दे रहे हो लाइक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, आप किसी के लिए भी मूव कर सकते हो इधर थ्योरी और प्रैक्टिकल. सो थ्योरी वाला 4 आवर्स का है और जो प्रैक्टिकल है वो है 6 आवर्स का. ओके और कॉस्ट दोनों की लाइक सेम ही होती है, अराउंड 25 to 30,000 ही होती है. कभी कभी लाइक प्रैक्टिकल की 40,000 हो जाती है. ओके सो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको लाइक अगर एग्जाम के लिए बैठना है लाइक आफ्टर ट्रेनिंग तो आप इस लाइक इस यूआरएल को विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. सो सी एच इज लाइक द पॉपुलर वन, सबसे पॉपुलर था सी एच. देन इसके बाद आया सी 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 एस सी यू. तो ये सब लाइक इसी काउंसिल के ही प्रोग्राम्स होते हैं. ओके सो सी एस सी यू है सर्टिफाइड सिक्योर कंप्यूटर यूजर, तो ये कंप्यूटर यूजर के लिए. देन ये है साइबर सिक्योरिटी टेक्नीशियन, सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी टेक्नीशियन. देन ये है नेटवर्क डिफेंडर, सी एन डी इज लाइक नेटवर्क डिफेंडर. ओके देन है सी सी एस सी, दैट इज फॉर सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, दैट इज फॉर क्लाउड. ओके क्लाउड सिक्योरिटी के लिए. सी पेन, दैट इज फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग. ओके सी एच एफ आई, दैट इज फॉर फॉरेंसिक्स, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन. ई सी एच आई, दैट इज फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्ड हैंडलर, दैट इज लाइक इंसिडेंट रिस्पॉन्स की जो टीम होती है तो उसके लिए वो इंसिडेंट हैंडलर. ओके देन वी हैव सिसो, दैट इज फॉर सर्टिफाइड चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये हाई लेवल के लिए होता है. सिसो के लिए आपको सी एच का देना कंपलसरी नहीं है, आप सिसपी दे सकते हो अगर आपको लाइक सिसो लेवल के लिए बनना है लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, तो आप सिसपी दे सकते हो इन प्लेस ऑफ ये वाला सर्टिफिकेशन. ओके देन है केस,
ये है लाइक एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, ये डॉट नेट के लिए और ये जावा के लिए। ओके फिर ये CDI, दैट इज फॉर सॉक एनालिस्ट, सॉरी दैट इज थ्रेड इंटेलिजेंस एनालिस्ट, और ये CSA ये फॉर सॉक एनालिस्ट। सो इसमें से कौन सा पॉपुलर है? सो बेसिकली आप सबसे पहले CH के लिए मूव कर सकते हैं। देन इसमें जो पॉपुलर है वो है CHFI, ये लाइक फॉरेंसिक्स के लिए काफी पॉपुलर है। एंड आप अगर आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी करनी है तो उसके लिए आप डॉट जावा और नेट के लिए मूव कर सकते हैं। और एंड मोर एल्स अगर आपको और कोई इतना पॉपुलर नहीं है इसमें से सर्टिफिकेशन, ओके लाइक कॉमर्शियल के लिए इतना यूज नहीं आता इसमें से कोई, तो बेसिकली आप CH के लिए मूव कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेंसिक्स में करना है इनकेस तो आप CHFI कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए देखिए, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए लाइक मैटर नहीं करते इतने सर्टिफिकेशंस। आप कितने अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, बग फाइंड कर रहे हो, बग को फिक्स कर रहे हो, कैसे आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो सब ज्यादा मैटर करता है। पर हाँ, सर्टिफिकेशन अगर आपकी कंपनी को नीड है तो आप कर सकते हो, ओके डॉट नेट और जावा के थ्रू। देन है इसमें से यही लाइक पॉपुलर है, अगर आपको सिसो लेवल का करना है तो आप सिस भी कर सकते हो इन प्लेस ऑफ ये वाला सर्टिफिकेशन, दैट इज सिसो, इसी काउंसिल के साइड से। सो ये लाइक इसी काउंसिल के कुछ अदर प्रोग्राम्स। सो इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट आपको लाइक कुछ पूछना है? ओके सो सबसे पहले है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दैट इज CIA ट्रेड हो गया और बहुत तो सारे मॉडल्स हो गए। देन एक्सप्लेन हैकिंग मेथोलॉजीज, इसमें मेथोलॉजीज डिस्कस करेंगे लाइक क्या क्या मेथोलॉजीज होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट इज साइबर किल होती है, अटैक लाइफ साइकिल होती है, तो काफी होती है, और एक बार एक बेसिक मेथोलॉजी होती है तो हम उसको ही फॉलो करेंगे। और फिर डिस्कस करेंगे हैकिंग कॉन्सेप्ट्स, दैट व्हाट इज हैकिंग, इथिकल हैकिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और कितने टाइप्स के हैकर होते हैं, वो हैकर क्लासेस में आएगा। देन हैकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप, कितना स्कोप है एंड ऑल। और फिर हम लाइक समराइज करेंगे जो भी टेक्निक्स यूज होती हैं कंपनीज में फॉर अप्लाइंग द सिक्योरिटी इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस। फिर देन वी विल डिस्कस अबाउट लॉस एंड स्टैंडर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है। सो गिव मी अ सेकेंड। ओके सो सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें आता है सबसे पहले CIA ट्रेड, आई होप आपको पता होगा ये, पर एक बार मैं सम अप करती हूँ। ठीक है, तो CIA ट्रेड का मतलब है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। वैसे इसको हम कहते हैं पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो दैट इज पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो बेसिकली वी हैव टू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी इज लाइक व्हेनेवर वी आर ट्रांसफरिंग द डेटा, सो जो हमारा डेटा है कोई भी रीड नहीं कर पाए। ओके सो सपोज दिस इज माय पीसी नंबर वन एंड दिस इज माय पीसी नंबर सेकेंड, एंड आई एम ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी। सो यू हो गए सेंडर और यू हो गए रिसीवर। सो व्हेनेवर वी आर ट्रांसफरिंग द डेटा, सो हमारा जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, मीन्स कोई भी थर्ड पार्टी या फिर कोई भी अनऑथराइज यूजर उसको यूज नहीं कर पाए, लाइक रीड नहीं कर पाए। और इन केस अगर वो रीड कर रहा है तो पर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक सपोज करिए आपने डेटा भेजा किसी को, हाय वो डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा इज लाइक मैसेज भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है,
या फिर कोई लाइक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में। सो डेटा रीड करा है, लाइक हमने क्या किया, इसको इंक्रिप्ट कर दिया किसी और फॉर्म में। तो वो रीड कर पा रहा है इन एनी केस, बट अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि डेटा का मतलब क्या है। तो वो हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी। सो बेसिकली इसका मतलब होता है कि कोई भी डेटा हमारा रीड नहीं कर पा रहा, कोई भी अनऑथराइज यूजर या फिर कोई भी अनइंटेंडेड यूजर, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी का मतलब हो गया, दैट इज कोई भी डेटा मॉडिफाई नहीं कर पा रहा। कोई डेटा मॉडिफाई नहीं कर पा रहा उसको, या फिर उसको रेंडर नहीं कर पा रहा। सपोज करिए आपने PC1 के थ्रू डेटा सेंड किया, ये आपका सेंडर हो गया, ये आपका रिसीवर हो गया। आपने डेटा सेंड किया, सो बेसिकली मॉडिफाई और रेंडर नहीं कर पा रहा। आपने सेंड किया इसको हाई, देन आपका जो HI हाई है वो किसी और फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा, कुछ और नहीं हो रहा। तो ये होता है इंटीग्रिटी। तो सो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा है कोई भी मॉडिफाई और कोई भी रेंडर नहीं कर पा रहे। देन हो गया अवेलेबिलिटी, इसका मतलब होगा कि हमारा जो डेटा है वो फुल टाइम अवेलेबल है। लाइक जो आपका सपोज करिए आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोई आपका कोई सर्वर है, FTP सर्वर है या फिर कुछ भी है, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करें एज अ लाइक आप वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कुछ भी, तो आपका जो जो आपका डेटा है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ रिसोर्सेज, तो वो फुल टाइम अवेलेबल है और कहीं से भी लोग उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। तो वो क्या अवेलेबिलिटी। सो इसको ही हम कहते हैं पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, दैट इज नोन एज CI-ATRIT। और वैसे टू मोर और प्लस होते हैं, दैट इज ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुटेशन। ऑथेंटिसिटी का मतलब है वॉट एवर वी आर रिसीविंग, हम उसकी क्वालिटी चेक करें कि जो भी हम रिसीव कर रहे हैं एज अ डेटा या फिर जो भी हम सेंड कर रहे हैं वो नॉन मैलिशियस है या नहीं है, मतलब वो मैलिशियस है या नहीं है, या फिर नॉन मैलिशियस होना चाहिए वो, उसमें कोई टाइप का वायरस नहीं होना चाहिए, कोई की लॉगर नहीं होना चाहिए, किसी भी क्लैक कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो वो वायरस फ्री होना चाहिए। सो जो भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो जेन्युइन होना चाहिए। दैट इज वॉट एवर वी आर रिसीविंग और सेंडिंग, दैट शुड बी जेन्युइन, द डेटा शुड बी जेन्युइन। देन है नॉन रेपुटेशन। सो नॉन रेपुटेशन में यहाँ पर मतलब है कि सपोज करिए PC1 ने डेटा सेंड किया और PC2 ने डेटा रिसीव किया। सो ये हो गया सेंड, ये हो गया रिसीव। सो PC1 डेटा सेंड कर रहे हैं और PC2 रिसीव कर रहे हैं। सो नॉन रेपुटेशन का मतलब हो गया कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं, एक गारंटी ले रहे हैं कि सेंडर ने ही डेटा सेंड किया है और रिसीवर ने ही डेटा रिसीव किया है। बाद में कोई सेंडर ये नहीं कह रहा कि मैंने डेटा सेंड नहीं किया है, या फिर रिसीवर ये डिनाई नहीं कर रहा कि मैंने डेटा रिसीव नहीं किया। सो हियर वी आर इंश्योरिंग नॉन रेपुटेशन, लाइक कि जो आज जिसने भी डेटा सेंड किया वो सेंड हो रहा है और रिसीव किया और रिसीव हो रहा है, बाद में ये दोनों डिनाई नहीं करें इन फ्यूचर कि मैंने तो सेंड किया नहीं या फिर मैंने रिसीव किया नहीं। सो ये हो गए 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डेट इज CI-ATRIT, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुटेशन, क्योंकि दे आर नोन एज पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और ये सब क्या है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं। सो हम ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम इंश्योर कर रहे हैं अपने लाइक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में, बट अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो होते हैं टेक्निक्स, उसे हम कहेंगे टेक्निक या फिर टूल्स। सो ये तो हो गए कॉन्सेप्ट्स, हमें लाइक क्या इंश्योर करना है ओवरऑल, मतलब ओवरऑल हमारा गोल क्या होगा, पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कैसे अप्लाई करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्या क्या मेथड होगा, तो वो सब हो गए हमारी टेक्निक्स एंड टूल्स, वो हमारे टूल्स और टेक्निक्स में है। वो डिफरेंट बात है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंशियलिटी है, हमारा जो डेटा है कोई भी रीड नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंक्रिप्शन लगा रहे हैं, हम लोग इंक्रिप्शन लगा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी टेक्निक, और जो कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया वो क्या हो गया आपका कॉन्सेप्ट। सेम है, सी हो गया नॉन रेपुटेशन, अब हम इसको इंश्योर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर लगाकर। तो ये डिजिटल सिग्नेचर क्या हो गया, हमारे टेक्निक हो गई, और जो नॉन रेपुटेशन हो गया वो कॉन्सेप्ट हो गया, वो हमारा गोल हो गया कि हमें क्या अचीव करना है और किसके थ्रू करना है, वो हो गया आपकी टेक्निक या फिर टूल्स। सो दे आर नोन एज 5 पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो आई होप इतना क्लियर होगा आपको, दैट इज CI-ATRIT एंड दिस वन। देन है मोटिव, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अच्छा, ऊपर एक डेफिनेशन दी थी इंफॉर्मेशन की, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सो
इसमें एक डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट टेम्परिंग शुड बी लोअर टॉलरेबल। सो बेसिकली इसमें हम लाइक यही शक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इज लाइक योर डेटा ओनली एंड इंफ्रा इज लाइक द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल पीसी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और डिवाइसेस हो गए, और लाइक आईओटी डिवाइसेस हो गए, ओटी डिवाइसेस हो गए, सीसीटीवी कैमरास हो गए, तो वो सब हमारे इंफ्रा में आकर नेटवर्क डिवाइसेस हो गए, फायरवॉल्स हो गए, राउटर्स स्विचेस एक्सेट्रा, तो वो सब इंफ्रा में आ गए। और इंफॉर्मेशन ना हमारी सिंपल डेटा हो गई, ओके बिट्स और बाइट्स में। सो बेसिकली हियर वी आर इंश्योरिंग दैट माई डेटा शुड बी इतना लाइक इतना सिक्योर होना चाहिए, या फिर वी कैन सेट वी कैन सी सी दैट इट इज सिक्योर्ड इनफ टू टॉलरेट थेफ्ट टेम्परिंग और डिस्ट्रप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्विसेज। ओके लाइक इतना हम सिक्योर, इतना हम इनफ सिक्योर कर लें कि जो भी लाइक जो भी आने वाले अटैक होने वाले वो सब लो हो जाए, लाइक काफी लो हो जाए, कि हम अपनी जो हमारी जो कंपनी है वो जो उसका लॉस है वो बियर कर पाए। ओके क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लाइक ऐसा तो होगा ही, हम लाइक सिक्योरिटी में कहते हैं कि सिस्टम इज लाइक कभी भी सिक्योर नहीं होता है, सिस्टम में कभी ना कभी वल्नरेबिलिटी निकल आती है लाइक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। मीन्स अगर कोई सिस्टम है, सपोज सबका पीसी है, पीसी नंबर 1, सपोज करिए ये आज सिक्योर नहीं है, लाइक आज सिक्योर है पर जरूरी नहीं कि कल सिक्योर हो, या फिर अगर आज सिक्योर नहीं है तो जरूरी नहीं कि कल भी नहीं हो। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा कोई भी सिस्टम प्रॉपर सिक्योर रहे, या फिर ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि आपने अगर वन टाइम सिक्योरिटी उसमें लगा दी तो ये हमेशा के लिए ही सिक्योर हो गया, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। जब ये जो साइबर सिक्योरिटी इतना लाइक उसमें डिमांड में, क्योंकि जो हमारी सिक्योरिटी है वो हमेशा ब्रीच होती रहती है, अटैक आते रहते हैं न्यू न्यू, सो इसलिए सिक्योरिटी इज लाइक अ जर्नी है। ओके कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, एक इट इज अ टाइप ऑफ जर्नी जो मैं लाइक इट इज लाइक कीप ऑन फ्लोइंग। सो लाइक जो सिस्टम है वो कभी ना कभी वल्नरेबल हो ही जाता है, तो हमें वही हमें इसको मुझे मॉनिटर करते रहना चाहिए, इसकी सिक्योरिटी मुझे मॉनिटर करनी है, इस पे फिक्सेस अप्लाई करने हैं एक्सेट्रा। ओके सो और इतने अप्लाई करने, इतना अपना सिस्टम हमें सिक्योर करना है कि जो भी आने वाला अटैक हो रहा है वो काफी लो हो, लाइक कंपनी को काफी लो लाइक लॉस करे, लाइक जितना कंपनी बियर कर सकती है, और हम लाइक फुल ट्राई करते हैं कि कोई अटैक अप्लाई हो ही ना फर्स्ट प्लेस में, अगर इन केस हो भी रहा है तो वो बहुत लो हो कि जो आपकी कंपनी है वो बियर कर पा रही है। ओके दैट इज नोन एज सीआईडी, और ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन। ओके अब हो गया ये मोटिव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा एक और डिफरेंस होता है साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। ओके सो बेसिकली फर्स्ट वी हैव साइबर सिक्योरिटी एंड सेकेंड वी हैव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो लाइक डिफरेंस क्या है इसमें, साइबर सिक्योरिटी इज लाइक साइबर मीन्स पीसी कंप्यूटर्स, ये सब साइबर हो गया लाइक डिवाइसेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और सिक्योरिटी का मतलब हो गया प्रोटेक्टिंग। ओके सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, साइबर सिक्योरिटी का ओवरऑल मीन्स होता है कि आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सिक्योर कर रहे हो, मतलब ये वी आर डिजाइनिंग द कॉन्सेप्ट। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ये सब क्या कॉन्सेप्ट है, तो साइबर सिक्योरिटी में मेनली कॉन्सेप्ट आते हैं, पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज लाइक थियोरिटिकल कंसेप्ट, सॉरी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। साइबर सिक्योरिटी का लाइक ओवरऑल मीन्स है सिक्योर करना, क्या सिक्योर करना, इंफॉर्मेशन और इंफ्रा, वो तो हो गया, वो तो डिफरेंट है, पर एक्चुअल जो मीन्स है वो थियोरिटिकल होता है, इसमें हम लाइक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट लाइक डिफाइन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट और लाइक जो भी है। ओके लाइक मॉडल्स और प्लान्स, पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या होगा, आपका रियल इंप्लीमेंटेशन हो गया कि आप लाइक क्या इम्प्लाई लाइक इंप्लीमेंट कर रहे हो, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, कितनी टाइप्स की टेक्निक्स होती है, क्या क्या टूल्स होते हैं वो डिजाइन कर रहे हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, तो वो सब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हो गया। सो एक हो गया साइबर सिक्योरिटी एंड एक हो गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो वी कैन सी दैट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज लाइक अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एंड साइबर सिक्योरिटी इज लाइक अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, कोई जिसमें लाइक बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन होते हैं। सो एनी डाउट अप टू हियर? ओके सो नाउ वी हैव मोटिव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी।
सो बेसिकली हमें डिफेंड करने से पहले लाइक प्रोटेक्ट करने से पहले वी शुड नो हाउ टू अटैक राइट. सो हमें अटैक करना आना चाहिए पहले, जब हम उसको उसी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे. ओके सो बेसिकली अब अटैक लाइक ओवरऑल ऑकर कैसे होता है, एक सक्सेसफुल अटैक के पीछे क्या स्ट्रेटेजी होती है, तो वो सब इसमें है. ओके सो बेसिकली अटैक इक्वल मोटिव गोल, लाइक मोटिव प्लस मोटिव गोल मेथड ऑफ वल्नरेबिलिटीज. सो सबसे पहले अटैक क्यों होते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई मोटिव होता है, कोई रीजन होता है, कोई पर्पस होता है. अब रीजन या फिर पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. लाइक अगर किसी को रिवेंज लेना है, कोई मनी के लिए कर रहा है, किसी कंपनी की रेपुटेशन डाउन करनी है, कोई फियर कॉज करना है, कोई रिलीजियस रीजन है, कोई पॉलिटिकल रीजन है, तो लाइक काफी रीजंस होते हैं. तो जो मेन कॉज होता है अटैक का वो होता है मोटिव, लाइक व्हाई आर वी हैकिंग द सिस्टम, हमें क्या मिलेगा हैक करने से, तो वो हो गया आपका मोटिव. मेथड का मतलब हो गया कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो, कौन सा टूल यूज कर रहे हो, वो सब मेथड में आ गया. और वल्नरेबिलिटीज, क्या वल्नरेबिलिटी है सिस्टम के अंदर, उसी को हम यूज करके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं. सो वी कैन से एक्सप्लॉइट, वी कैन से हैक, और वी कैन से कॉम्प्रोमाइज, सब तीनों लाइक बात देखिए. आप एक्सप्लॉइट कह सकते हैं, हैक कह सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं. ओके दैट इज नोन एज अटैक्स. ऐसे लाइक अटैक्स ऑकर होते हैं, मोटिव होता है प्लस मेथड प्लस वल्नरेबिलिटीज. ओके और मोटिव ही एक मेन रीजन था जिसकी वजह से जो भी सक्सेसफुल अटैक कॉज होते हैं. और फिर बाद में जो भी मेथड होता है, फिर हम चेक करते हैं कि वेदर लाइक सिस्टम वल्नरेबल है या नहीं है. वल्नरेबिलिटी के बाद ये डिसाइड होता है कि कौन सा अटैक अप्लाई करना है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है किसके थ्रू वल्नरेबल है. सो अभी लाइक बेसिकली टू वेज होते हैं हैक करने के. फर्स्ट हो गया कि आप लाइक सिस्टम को स्कैन कर रहे हो, वल्नरेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं. ओके फर्स्ट ही हो गया. एंड सेकंड होता है कि आप उसको लाइक फोर्सफुली हैक कर रहे हो, लाइक सिस्टम पूरा सिक्योर है बट आप उसको फिर भी हैक करना चाहते हैं. लाइक सपोज करिए पीसी वन है या फिर कोई भी सर्वर है, आप उसको हैक करना ही करना है आपको एट एनी कॉस्ट. तो आप क्या कर रहे हो, या तो फर्स्ट वे है आप उसमें लूप होल फाइंड करें या फिर स्कैन करें, तो आप इजीली कर लोगे क्योंकि उसमें वल्नरेबिलिटी है, तो उसको फाइंड करके एक्सप्लॉइट कर रहे हो. सेकंड होता है फोर्सफुल अटैक कर रहे हो. सपोज कि सिस्टम सिक्योर है, फोर्सफुली का मतलब होता है कि आप उसमें वल्नरेबिलिटी ये तो कॉज कर रहे हो या फिर इनडायरेक्ट किसी और वे में हैक कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल हो गया सोशल इंजीनियरिंग. अब हम ऐसा क्यों कहते हैं कि लाइक सारे सिस्टम सिक्योर हैं, लाइक सॉरी लाइक अनसिक्योर्ड है, मतलब कि हर एक सिस्टम कभी ना कभी हैक हो सकता है, क्योंकि उनको ओवरऑल ऑपरेट कौन कर रहे हैं, ह्यूमंस, और हम ह्यूमंस पे इंजीनियर लाइक सोशल इंजीनियरिंग अटैक आराम से अप्लाई कर सकते हैं. ओके लाइक सपोज करिए कोई पीसी वन है, पीसी वन आपके नेटवर्क के अंदर है, और इस पीसी वन को कोई लाइक लेट से कोई मार्केटिंग का यूजर रन कर रहा है, क्योंकि कंपनी है, कंपनी में लाइक डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे. ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी कंपनी सिक्योरिटी वाले बंदे ही चला रहे हैं. सो पीसी वन है, उसमें मार्केटिंग वाला कोई एम्प्लॉय बैठा हुआ है. तो अब क्या होगा कि अब सपोज करिए आपने, अब पीसी वन तो पूरा सिक्योर है पर मार्केटिंग वाले बंदे को सिक्योरिटी की नॉलेज नहीं है, और नॉलेज भी फिर भी आपने उसको क्या किया, सोशल इंजीनियरिंग किया. ओके सपोज करते इसको नॉलेज नहीं है सिक्योरिटी क्या होती है, कौन सा फिशिंग मेल होता है, क्या होता है, इसको कुछ भी नहीं पता. आपने उसको एक फिशिंग मेल सेंड किया, लाइक आपने उसको मैनिपुलेट किया. ओके सोशल इंजीनियरिंग का पूरा लाइक मोटो होता है मैनिपुलेट करना. तो ये ह्यूमंस पे अप्लाई कर सकते हैं और सिस्टम्स पे, तो सिस्टम्स पे अप्लाई करना हो ही गया, पर हम इसको मेन अप्लाई करते हैं ह्यूमंस पे, लाइक ह्यूमंस को मैनिपुलेट करने के लिए. अब पीसी वन को अपने मेल सेंड किया, उसमें मेल के साथ आपने अटैचमेंट सेंड करी एज अ वायरस, तो आपने उसको थोड़ा लाइक मैनिपुलेट किया, आपने उसको फ्रेंड बनाया या फिर किसी और वे में लाइक आपने उसको मैनिपुलेट किया. तो जो मार्केटिंग वाला यूजर है, एम्प्लॉय, उसने वो मेल ओपन कर दी और वो जो पीसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया. तो इस केस में क्या हुआ भाई, पीसी तो पूरा सिक्योर था, सिक्योरिटी की टीम भी लगी है, पर फिर भी आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गया, इसकी वजह से, मार्केटिंग एम्प्लॉय की वजह से. इसलिए ही इतने सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाते हैं कंपनी में, सिक्योरिटी अवेयरनेस. क्योंकि क्या होता है बेसिकली, अब सपोज करिए आपकी कंपनी है, ओके लेट्स से एबीसी कंपनी आपकी,
सो उसमें अब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग का डिफरेंट हो गया, फाइनेंशियल का अलग हो गया, सेल्स का डिफरेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग का हो गया, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, और फिर एडमिनिस्ट्रेटर का डिपार्टमेंट हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके सो अब सिक्योरिटी वालों को तो पता है कि सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे अटैक होते हैं, क्या फिशिंग फिशिंग मेल होते हैं, पर अब आपकी जो कंपनी उसकी स्ट्रेंथ सपोज करी 100 पीपल है उसमें, अब 100 को तो नहीं पता होगा ना कि सिक्योरिटी क्या होती है, और मार्केटिंग वालों को नहीं पता होगा, चल उनको भी पता है तो सेल्स वालों के फाइनेंशियल वालों को नहीं पता होगा क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है और हम अपने फील्ड में, तो इसलिए कभी कभी कहते हैं इसी रीजन की वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो जाती है। इसलिए हमारी कंपनीज में सिक्योरिटी अवेयरनेस के प्रोग्राम रन करते हैं हम लोग, कि जितनी ज्यादा सिक्योरिटी अवेयरनेस हम स्प्रेड करेंगे उतना ही यूजर्स को यूजर्स लाइक अवेयर रहेंगे कि कौन से फिशिंग मेल होते हैं, किस पे क्लिक करना चाहिए, किस वेबसाइट पे विजिट करना चाहिए, ऐसा। तो ये सब लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम में होता है। सो टू वेज होते हैं हैक करने के, या तो आप वल्नरेबिलिटी फाइंड करें, सेकेंड आप लाइक इनडायरेक्ट वे में हैक कर रहे हैं, तो आप सोशल इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप डॉस अटैक अप्लाई कर रहे हैं एक्सेट्रा। ओके सो एक अटैक के पीछे क्या होता है, मोटिव गोल। इवन अगर हम भी हैक करेंगे, लाइक सपोज करिए वी आर हैकिंग, इवन कोई एथिकल हैकर भी है वो हैक कर रहा है, तो सबसे पहले हमें यही डिफाइन करना है कि मोटिव क्या है हमारा हैक करने में, लाइक व्हाट वी विल गेन, हमें क्या मिलेगा हैक करने से। अब वो हैक करने का यही एक रीजन होता है, आपको एक गोल प्रोवाइड करता है या फिर आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा हैक करने के लिए। अगर आपके पास कोई मोटिव नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, फिर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो, आप कौन से टूल यूज कर रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो आपको मोटिव होना चाहिए, आप क्यों हैक कर रहे हो, आपको डेटा चाहिए इस कंपनी का, आपको कुछ स्टील करना है, आप मनी के लिए कर रहे हो, आपको नॉर्मल यूजर चाहिए, नॉर्मल एक्सेस चाहिए, आपको रूट एक्सेस चाहिए, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो एक्सेट्रा। तो ये काफी रीजन होते हैं। सो ये होगा आपका मोटिव। मेथड का मतलब हो गया कि आप कौन सा मेथड या फिर कौन सी टेक्निक या फिर कौन सा टूल यूज कर रहे हो। वल्नरेबिलिटी का मतलब हो गया जो भी लाइक वल्नरेबल सर्विस या फिर जो भी वल्नरेबिलिटी है उसको यूज कर रहे हो फॉर एक्सप्लॉइटिंग, दैट इज नोन एज अटैक्स। इसी के थ्रू एक सक्सेसफुल अटैक अराइज होता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोटिव लाइक डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और मोटिव का मेन मोटिव ये होता है कि आप जिसको भी हैक कर रहे हो, PC1 सपोज करें आपका टारगेट है, तो इस PC1 के अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा जब आप इसको हैक करेंगे। और भी वेज होते हैं, सपोज करें PC1 थोड़ा सा अनसिक्योर है और ये नेटवर्क के अंदर है, और आपको हैक करना है एडमिन का PC। तो आपने PC1 को हैक किया एडमिन का PC हैक करने के लिए, तो ये भी मोटिव होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमें मोटिव डिफाइन करने होते हैं। ऐसे नहीं कि PC1 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट होगा हम जब भी हैक करेंगे, पर आपका नेटवर्क है, एक बार नेटवर्क के अंदर एंट्री मिल जाए फिर तो आपको भी बताया हम क्या कुछ नहीं कर सकते, राइट। फिर ओके हम एक्सप्लॉइट फाइंड करते हैं, सॉरी वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं, फिर उसके हम एक्सप्लॉइट फाइंड करते हैं, और हम वल्नरेबिलिटीज के बेसिस पर ही, लूपहोल्स के बेसिस पर ही सिस्टम को हैक करते हैं, मोस्टली टाइम यही होता है। और इथिकल हैकिंग कि लाइक यही होता है, एथिकल हैकिंग के बेसिस पे वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके। तो ये कुछ मोटिव्स हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा क्या क्या मोटिव हो सकते हैं। कॉमन होते हैं लाइक मनी के लिए, रैमसम के लिए, टेकिंग रिवेंज के लिए, फियर और क्योस स्प्रेड करने के लिए, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन के लिए, मैनिपुलेट डेटा करने के लिए, फाइनेंशियल लॉस के लिए, कोई रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ को स्प्रेड करने के लिए एक्सेट्रा। तो आप इसको आप रीड कर सकते हैं। सो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स। सो अटैक्स कितने टाइप के होते हैं, तो वो है इसमें। सो पैसिव अटैक इज लाइक अगर आप अटैक कर रहे हो इनडायरेक्ट वे में, लाइक इंग्लिश में होते हैं लाइक एक्टिव और पैसिव वॉइस, सेम वही है। एक्टिव का मतलब है कि डायरेक्ट, और पैसिव का मतलब है इनडायरेक्ट। इसमें मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब है कि इनडायरेक्टली आप अटैक कर रहे हो, और जो आपका जो आपका टारगेट है उसको पता नहीं चला कि आप उसको स्कैन कर रहे हो, उसमें अटैक अप्लाई कर रहे हो। एक्टिव का मतलब होता है कि आपके जो अटैक करे सॉरी जो टारगेट है उसको पता चला है कि आप अटैक कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो, क्योंकि हमें अटैक करने से पहले स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फाइंड करना पड़ेगा कि ये वल्नरेबल है या नहीं है। आपने फाइंड कर दिया कि ये वल्नरेबल है,
फिर आप क्या कर रहे हो, उसमें डायरेक्ट अटैक अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि आपके जो टारगेट है, जो आपका विक्टिम है, उसको पता चल रहा है कि आप अटैक कर रहे हो उस पर, या फिर उसको स्कैन कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे हो गए उसमें डॉस अटैक, मैन इन द मिडिल, सेशन हाईजैकिंग, स्किल इंजेक्शन एक्सेट्रा। अब ये एग्जाम्पल पे इतना फोकस नहीं करिएगा, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। और पैसिव का मतलब हो गया कि आप इनडायरेक्ट अटैक कर रहे हो, मतलब कि सपोज करिए PC1 है और ये PC2 है, सो PC1 को आप हैक कर रहे हो, का ये है टारगेट, इसको अटैक कर रहे हैं इस पर आप, पर PC1 को पता ही नहीं चला कि अटैक हो भी रहा है। अगर उसको पता भी चला कि हो रहा है, पर उसको ये भी नहीं पता चला कि कहाँ से हो रहा है, तो हो गया। बट मोस्ट केसेस में क्या होता है, पैसिव अटैक में हम पता नहीं लगने देते कि जो टारगेट है उस पर हम अटैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, सो बेसिकली जो आपका विक्टिम होता है उसको पता नहीं चलता कि आप अटैक कर रहे हो। ओके, जैसे हो गया स्निफिंग और रिवर्स ड्रॉपिंग, तो इसके भी काफी एग्जाम्पल होते हैं। देन हो गया क्लोज इन अटैक। क्लोज इन का मतलब हो गया कि आपके पास फिजिकल एक्सेस है उस कंपनी का, या फिर जिसमें आप अटैक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी में वर्क कर रहे हो, ओके, आप कैसे भी करके कंपनी में एंटर कर लिया आपने। ओके, आपने कैसे भी एंटर हो गया और ये काफी PC है, तो आपके पास फिजिकल एक्सेस है कंपनी का। ओके, लाइक उसमें आप पेन ड्राइव लगाकर उसको, लाइक उसमें वायरस इंजेक्ट कर रहे हैं, USB रबर डकी यूज कर रहे हैं हम, लाइक काफी एग्जाम्पल है इसके। ओके, तो ये हो गया आपका क्लोज इन अटैक। इसमें क्या हो गया कि आपके पास फिजिकली आप अटैक कर रहे हो। ओके, फिर हो गया इनसाइडर अटैक। इनसाइडर का मतलब कि कंपनी के किसी अंदर का एम्प्लॉय कोई हैक कर रहा है। सपोज करिए एक एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर, वो सेल्स में है या फिर किसी और डिपार्टमेंट में, तो वही हैक कर रहा है आपकी कंपनी को, वही इंजेक्ट कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, तो ये हो गया इनसाइडर अटैक। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली सपोज करिए आपने कोई न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च किया आपकी कंपनी ने, या फिर आपने खुद ही बनाया और लॉन्च किया, या फिर आपने कोई हार्डवेयर डिवाइस लॉन्च किया। फॉर एग्जाम्पल आपने आईफोन लॉन्च किया 15, ठीक है, तो ये आप जब लॉन्च कर रहे हो, तो लॉन्च के टाइम पे आपने क्या किया, जो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है उस पे आपने कोई मालवेयर इंजेक्ट कर दिया, या फिर मालवेयर का जो कोड है वो आपने पुट कर दिया। सेम ऐसा आपने हार्डवेयर में भी ऐसा कर दिया, लाइक एनी ऑफ दीज, हार्डवेयर में भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में भी। तो आपने कोई ऐसा डिवाइस इंजेक्ट कर दिया हार्डवेयर में, कोई लाइक से कोई एडिशनल माइक्रोफोन जो लाइक हर समय ऑन रहेगा, ओके, यूजर की विदाउट परमिशन, यूजर को पता भी नहीं चलेगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये हमने लॉन्च के टाइम पर ही हम कुछ ऐसा मैलिशियस इंजेक्ट करें अपने सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, और जब ये लॉन्च हो जाएगा तो ये सभी यूजर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज पब्लिक हो जाएगा खुद का डिवाइस, और जो भी यूजर्स उसको यूज करेंगे तो वो सब आपके जो मालवेयर है उसके लाइक विक्टिम बन जाएंगे। ओके, या फिर टारगेट बन जाएंगे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। ओके, मतलब कि आप लॉन्च के टाइम पर ही, जब आपका प्रोडक्ट लाइक लॉन्च होने वाला है 1 वीक बाद या 1 मंथ बाद, अब उसमें सॉफ्टवेयर में या तो कोड इंजेक्ट करें, या फिर हार्डवेयर में कोई एडिशनली मैलिशियस डिवाइस पुट करें। आपने सपोज करिए कुछ एडिशनल वाला GPS इंजेक्ट कर दिया, तो वो सब उसमें आ गया डिस्ट्रीब्यूशन अटैक में। ओके, सो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक। पैसिव में क्या हो गया इनडायरेक्ट, एक्टिव में क्या हो गया डायरेक्ट, क्लोजिंग में क्या हो गया आपके पास फिजिकल एक्सेस है, इनसाइडर में क्या हो गया हमारे कंपनी का ही एम्प्लॉय हैक कर रहा है, लाइक आपका जो सिक्योरिटी इसको ब्रीच कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया कि लाइक जब आप लॉन्च कर रहे हो कोई प्रोडक्ट, तो आप ही उसमें कुछ इंजेक्ट कर रहे हो मैलिशियस, तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। ओके, सो इतना क्लियर है। सो हम लाइक नेक्स्ट जो भी होगा बाकी का, हम लोग नेक्स्ट वीकेंड कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्योंकि लाइक मेरी नेक्स्ट क्लास है, और जो आपकी क्लासेस रहेंगी फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड वो रहेंगी भाई 10 to 12 इन द मॉर्निंग। ओके, सो एनी डाउट, आपको कुछ पूछना है, ये PPT मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको रीड करना है, गो थ्रू करना है, आप कर लीजिएगा। ओके, आप अपना मेल मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा ग्रुप पे, ओके, वो आप सेंड कर दीजिए, मैं आपको PPT लाइक सेंड कर दूंगा और रिकॉर्डेड सेशंस। ओके, थैंक यू। सो मैं रैप अप कर दूँ सेशन। ओके, थैंक यू। और अगर अगर आपको कोई भी डाउट हो लाइक कुछ भी PPT में या फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, सो आप मुझे कभी भी लाइक ग्रुप पे पिंग कर दीजिएगा,
वीकडेज में, वीकेंड्स में, नाइट डे कभी भी पिंग कर दीजिएगा, कोई भी अगर एरर आ रहा हो पैरेटोस को इंस्टॉल करने में काली लिनक्स में, तो आप मुझे पिंग कर दीजिएगा। और जब भी आप क्यूरी अपनी पुटअप करें तो आप मेक श्योर आप उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दीजिएगा, थोड़ी हेल्प हो जाती है उससे, पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या है। ओके, सो कभी भी कोई एरर आए तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पिक्चर लेकर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ओके, सो आप कभी भी फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। सो मैं सेशन रैप कर देती हूँ, मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन मॉर्निंग तक प्रोवाइड कर दूंगी। ओके ओके ओके, थैंक यू।